दुनिया को अलविदा कहकर आंखें मूंद कर डिस्को किंग बप्पी लहरी अपने अनंत सफर पर निकल गए हैं। बप्पा लहरी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। पिता को खोने के बाद उनके दिल की क्या हालत होगी, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मंगलवार की रात जब बप्पी लहरी ने अंतिम सांस ली, तब बप्पा लहरी उनके पास नहीं थे। बप्पा अपने पिता से मीलों दूर अमेरिका के लॉस एंजलिस में थे। पिता के निधन की दिल तोड़ने वाली खबर मिलते ही बप्पा लहरी सात समुंदर पार से दौड़े चले आए। बुधवार रात 2 बजे बप्पा लहरी अपनी पत्नी तनिषा लहरी और बेटे क्रिश के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। पूरा लहरी परिवार इस वक्त बेइंतहा दुख में डूबा है। पिता को खोने का गम और मायूसी बप्पा की आंखों में साफ दिखी। आज सुबह मुंबई के विले पार्ले स्थित शमशान भूमि में बप्पा लहरी ने अपने पिता बप्पी लहरी को मुखाग्नि दी। बता दें कि बप्पा के लिए बप्पी लहरी सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि उनके गुरु भी थे। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बप्पा लहरी ने भी संगीत की दुनिया से अपना रिश्ता जोड़ा है। जी हाँ, बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी भी एक संगीतकार और सिंगर हैं। वह US बेस्ड सिंगर हैं। बीते कुछ साल से बप्पा लहरी अपनी पत्नी तनिषा और एक बेटे क्रिश के साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहते हैं। बप्पा लहरी कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए म्यूजिक कंपोज कर चुके हैं। हालांकि उनका म्यूजिक स्टाइल पिता के स्टाइल से काफी अलग है। म्यूजिक कंपोजर होने के साथ ही बप्पा लहरी ने अनुराधा पालाकोथी के जूजू प्रोडक्शंस के साथ काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जूजू प्रोडक्शंस एक एटलांटा बेस्ड एंटरटेनमेंट सर्विस कंपनी है। बप्पा लहरी अपने पिता के बेहद क्लोज थे। पिता के साथ वह अपनी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते रहते थे। वह उन्हें अपना बॉस फॉरएवर बताते हैं। एक इंटरव्यू में पिता के बारे में बात करते हुए बप्पा ने बताया था कि उन्होंने बप्पी लहरी को 15 साल तक असिस्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना अलग म्यूजिक वेंचर शुरू किया। हालांकि वह अक्सर अपने पिता से म्यूजिक को लेकर सलाह लेते थे। बप्पी लहरी की विरासत को सिर्फ उनके बेटे ही नहीं बल्कि नाती स्वास्तिक भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बप्पी लहरी की बेटी रीमा लहरी के बेटे स्वास्तिक बंसल भी सिंगर और रैपर हैं। स्वास्तिक ने अपना नाम रिगो बी रखा है। सिर्फ 12 साल के स्वास्तिक का पहला सॉन्ग बच्चा पार्टी हाल ही में रिलीज हुआ था। बिग बॉस 15 में बप्पी लहरी अपने नाती स्वास्तिक के पहले गाने को प्रमोट करने के लिए भी पहुंचे थे। वहीं नाना को खोने के बाद नन्हे स्वास्तिक भी गहरे सदमे में हैं। मीडिया से बात करते हुए स्वास्तिक अपने नाना को याद कर रो पड़े। उन्होंने मेरे म्यूजिक के लिए शुरू किया था, वो मेरा आइडल है। उन्होंने मुझे पहला सब सिखाया था, उनकी वजह से मैं भी सिंगर उसमें हो रहा हूँ। तो वो मेरा आइडियल थे। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करूँगा। बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने बेमिसाल संगीत की वजह से वह हमेशा सभी की यादों में जीवित रहेंगे।